आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 2। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्कशीट बनाते समय टोटल निकाला था, एवरेज निकाला था और यहाँ पे क्लास 1 निकाला था। क्लास 1 में पास और फेल हमने बस प्रिंट किया था। ठीक है, क्लास 2 के अंदर हम प्रिंट करेंगे अगर किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स 35 से ज़्यादा है तो पास आएगा, और 50 से ज़्यादा है तो वह सेकेंड क्लास आएगा, 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास आएगा, और 70 से ज्यादा है तो डिस्टिंक्शन आएगा। तो यहाँ पर इसके 4 कंडीशन देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उसको कैसे कर सकते हैं, क्लास 2 यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्लास 1 निकाल के दिखा दिया है आपको, तो क्लास 1 का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा, इफ आई एड लेस देन 35 देन फेल अदरवाइज पास। केवल एक कंडीशन दिया हमने यहाँ पर, केवल एक इफ का यूज किया था, जबकि क्लास 2 के अंदर हम यहाँ पर 4 इफ का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इफ, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में हम एवरेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको लेस देन दिखाएंगे हम 35 से, पहला कंडीशन। तो क्या प्रिंट करना चाहते हैं हम, फेल। तो हमारा पहला कंडीशन हुआ, अगर किसी भी स्टूडेंट का एवरेज 35 से कम आता है तो हम बोलेंगे फेल। यहाँ तक जो हमने फॉर्मूला लगाया उसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इफ मतलब अगर, I8 मतलब एवरेज कम होगा 35 से तो क्या आएगा, फेल। ठीक है, चलो कॉमन, यहाँ पे हमारा एक कंडीशन पूरा हुआ। सेम दूसरा कंडीशन लगाने के लिए हम फिर से इफ लगाएंगे, आप लोग यहाँ से वापिस से देखना स्टार्ट करो। चलो इफ, इफ के बाद क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या है, I8 मीन्स एवरेज, एवरेज के बाद क्या है, लेस देन, फिर क्या है, 35। 35 का कंडीशन हम दे चुके हैं, अब हम 50 का कंडीशन देंगे कि अगर एवरेज अब 50 से कम होगा तब, कॉमा, क्या प्रिंट करना है हमें, उसको डबल इनटू कॉमा के अंदर लिखेंगे हम पास, डबल इनटू कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो कंडीशन पूरा कर दिया। ठीक है, अब हम तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा कंडीशन क्या कहेगा कि इफ ब्रैकेट के अंदर जो एवरेज है I8 यह लेस देन होगा किसके, यह अगर लेस देन होता है 60 से, तब हम क्या बोलेंगे कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, S.C मीन्स सेकेंड क्लास, आप पूरा लिख सकते हो सेकेंड क्लास, राइट। तो यहाँ पे हमने तीन कंडीशन पूरा कर दिया। ठीक है, पहला कंडीशन अगर 35 से कम होगा तो फेल आएगा, 50 से कम होगा तो पास आएगा, 60 से कम होगा तो सेकेंड क्लास आएगा, राइट। अब हम लास्ट कंडीशन लगाने जा रहे हैं, तो फिर से इफ, फिर से ब्रैकेट, फिर से हमारा एवरेज सेलेक्ट करेंगे और लेस देन, इस बार हम लिखेंगे 70 कॉमा, क्या प्रिंट करना चाहते हैं हम, फर्स्ट क्लास, राइट, फिर कॉमा, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा तो DIST, डिस्टिंक्शन प्रिंट करना चाहते हैं। और लास्ट में हमने जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3 एंड 4। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें मिलेगा पास। अब यहाँ से हम जैसे ही इसमें मार्क्स बढ़ाएंगे, जैसे 70 है, 72 को हमने 80 किया, तो अभी यहाँ पे एवरेज किया था 41 से 42 हो गया, अभी इसको हम जो 8 है इसको हम करते हैं 85, तब देखना आप लोग एवरेज भी बढ़ेगा, टोटल भी बढ़ेगा और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1 में तो पास ही रहेगा, क्लास 2 में देखना कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। क्या आ गया क्लास 2 के अंदर, सेकेंड क्लास आ गया ऑटोमेटिक। क्यों, देखो फॉर्मूला हमने लगाया है तो सेकेंड क्लास में आ रहा है, एवरेज 55 है ना, तो सेकेंड क्लास आएगा, बोले हम 60 से कम रहेगा तो 55 60 से कम है, जब वो 35 से 50 से कम होगा तो पास में चला जाएगा। चलो हम यहाँ पे एक और बढ़ा के देख लेते हैं, 99 करते हैं, तो देखो एवरेज भी बढ़ेगा 55 है और सेकेंड क्लास में भी बढ़ेगा, तो अभी 75 जब इसका एवरेज हुआ तो इसको कहाँ चला गया, डिस्टिंक्शन में, मैंने बोला था एवरेज में यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर कि 70 के ऊपर होगा तो क्या आएगा, डिस्टिंक्शन, 70 से कम होगा तो फर्स्ट क्लास आएगा। तो यही वाला फॉर्मूला हम सबके लिए लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डबल बार दो बार क्लिक कर दो, तो ये फॉर्मूला हमने पूरे स्टूडेंट के लिए लगा दिया। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 4 लोग डिस्टिंक्शन है, बाकी सभी, चलो यहाँ से किसी का हम मार्क्स कम कर देते हैं, तो यह क्या हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, एक डिस्टिंक्शन हो गया, किसी को चलो फेल भी कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हम फेल कर देते हैं, फेल हो गया। ठीक है, देखो क्लास 1 में भी फेल हो गया क्योंकि 33 35 से कम है, तो क्लास 1 में भी फेल, क्लास 2 में भी फेल, फेल है, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, डिस्टिंक्शन है, चारों कंडीशन ने प्रिंट कर दिया है। सेम ऐसे अगर हमें क्लास 3 करना है तो क्लास 3 में क्या होगा, अभी तक हमने क्लास 1 में और क्लास 2 में बस एवरेज को लेके कंपेयर किए हैं, तो एवरेज के बेस पर यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्लास 3 के अंदर हम सब्जेक्ट को भी कंपेयर करेंगे। अगर किसी भी पर स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में भी 35 से कम आया है
तो भी उसको हम फेल प्रिंट करेंगे, भले उसका एवरेज 35 से ज्यादा हो, राइट। तो चलिए हम देखते हैं क्लास थ्री, ठीक है। तो क्लास थ्री के लिए क्या करना, कि चूंकि हमें सब्जेक्ट भी कंपेयर करना है, तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट के अंदर हम और लिखेंगे, और इस और वाले ब्रैकेट के अंदर हम पूरे सब्जेक्ट को लेस देन 35 दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हिंदी क्लिक करो, लेस देन 35, ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, फिर दूसरा सब्जेक्ट फिर लेस देन 35 कॉमा, फिर तीसरा सब्जेक्ट लेस देन 35 फिर कॉमा, फिर जितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं सबको हमें क्या दिखाना है, लेस देन 35 दिखा देना है हमें, ठीक है। 35, अरे फ्रेंड्स मैंने गलती से क्लिक कर दिया बाहर, एक मिनट। तो हमारा लास्ट सब्जेक्ट था कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया और लेस देन 35 कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, और वाले ब्रैकेट के अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को लेस देन 35 दिखा दिया और ब्रैकेट और वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इसके अंदर हमारा सॉरी, तो और वाले ब्रैकेट के अंदर हमारा हर एक सब्जेक्ट लेस देन 35 वाला पोर्शन कवर हो गया। तो जब भी यहाँ से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तब हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं फेल। तो कॉमा लगाओ, डबल कॉमा के अंदर लिख दो फेल, तो ये हमारा और वाला कंडीशन हुआ पूरा। फिर कॉमा लगाओ, अब वापिस जो हमने क्लास टू में किया था वही करना स्टार्ट करेंगे। एवरेज सेलेक्ट करेंगे, फिर लेस देन 35, ठीक है, और इफ लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, कॉमा के बाद इफ ब्रैकेट में इस एवरेज को सेलेक्ट करो, लेस देन 50 करो, क्योंकि 35 वाला कंडीशन हमने पूरा कर दिया है। कॉमा डबल कॉमा के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पास, पास डबल कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पिछले पिछले अभी हम किए हैं क्लास टू के अंदर वही करेंगे, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट के अंदर एवरेज लेस देन 50 हो गया है, तो अभी 60 कॉमा डबल कॉमा के अंदर सेकेंड क्लास डबल कॉमा क्लोज, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट के अंदर जो हमारा एवरेज है इसको इस बार लेस देन दिखाएंगे हम 70 से, कॉमा डबल कॉमा के अंदर फर्स्ट क्लास डबल कॉमा क्लोज, कॉमा डबल कॉमा के अंदर डिक्सटेंशन, और जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार क्लोज, 1 2 3 एंड 4। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, आप लोग देख लो अच्छे से, और हम करते हैं इसको एंटर। तो क्या आएगा, यह फेल आएगा, क्योंकि ये तो एवरेज से भी फेल है और सब्जेक्ट से भी फेल है, राइट। तो चलो अब हम नीचे देख लेते हैं बाकी लोग कैसे हैं। तो यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्लास थ्री के अंदर 3 लोग फेल हैं, ओनली 1 डिस्टिंक्शन आया है। अब देखो यहाँ पे इसका एवरेज तो 35 से ज्यादा है फिर भी फेल क्यों आ रहा है, यहाँ पे इसका एवरेज तो 62 है फिर भी फेल आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर 35 से कम है, जैसे यहाँ 35 से कम है ना 14, तो जैसे इसको हम करेंगे 55 तो ऑटोमेटिक इसका जो क्लास थ्री का रिजल्ट है वह चेंज हो जाएगा, शायद अभी कहीं और ही कम है। यहाँ पे भी देखो 12 है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा 35 से ज्यादा, अब इसका जो क्लास थ्री का रिजल्ट है वह चेंज हो गया, देखो डिस्टिंक्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास टू एंड क्लास थ्री कि क्या फॉर्मूला है। देख लो ये ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर हमें दिख रहा है, ये हमारा क्लास थ्री का फॉर्मूला है, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा क्लास टू का फॉर्मूला, राइट।